नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आज हम पोएम नंबर 23 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है बुक। और इस काव्य के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और इस काव्य का साहित्य प्रकार कविता ही है। बुक जो है, कविता का टाइटल है कि भूख जो है वो प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। कि हम जानते हैं कि मनुष्य से लेकर छोटी चींटी तक हर एक प्राणी के शरीर के अंदर भूख लगती ही है, और प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से अथक प्रयास करता है। कि वो मनुष्य हो, चींटी हो, पशु कोई भी हो, छोटे से छोटे जीव तक से बड़े से बड़े आदमी तक, हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयत्न करता है। कि भूख अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी पशु पक्षी को भूख लगी होती है तो शायद एक या दो दिन, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन वो भूखा रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो भूखा नहीं रह सकता और अपनी भूख मिटाने के लिए वो जैसे तैसे करके प्रयास करता ही है। तो कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, और इस प्रकार का संघर्ष करने वाले प्राणी में उसे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। कि इस कविता में कवि ने हम मनुष्य को भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, और किस प्रकार संघर्ष करने वाले प्राणी जो है उसमें सौंदर्य प्रकट होता है वो उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। तो उनका जन्म सन 1926 ईस्वी सन में हुआ था, उनका निधन सन 1983 ईस्वी सन में हुआ था। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने अलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दीनमान के उप संपादक रहे। इस कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिज्ञासा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक पशु जो है वो भूख मिटाने के लिए जूझता है। वैसे तो हमें भूख की कोई कीमत नहीं है, क्यों? क्योंकि भूख लगने पर हमें तुरंत ही खाना मिल जाता है, लेकिन भूख की कीमत उन लोगों को पूछना चाहिए जिसे खाना नहीं मिलता, वो खाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन लोगों को भूख की कीमत पता होती है कि भूख कितनी महत्वपूर्ण है। अब कविता को देखते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। क्या कह रहे हैं कवि ने? ये कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी पशु पक्षी को भूख लगी हो तो उस भूख को मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कि हम सब पैसे कमाते हैं, पशु पक्षी हम शिकार करते हैं, वो किस लिए करते हैं? तो हमारे पेट की भूख को संतुष्ट करने के लिए हम सभी कार्य करते हैं, ना ही कि ऐसे कि अगर प्रभु ने, ईश्वर ने ऐसी भूख जैसी कोई चीज बनाई ही नहीं होती तो हम मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी पशु पक्षी मेहनत करते ही
नहीं, संघर्ष करते ही नहीं। तो हम सब संघर्ष किस लिए करते हैं? हमारा पेट पालने के लिए। तो कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? संघर्ष है। कि अगर हम संघर्ष करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो ही भूख से मुक्ति पा सकेंगे। कि भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कि जब भी कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता। यहाँ केवल बात भूख की समस्या की नहीं है। मनुष्य जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि संघर्ष किए बिना, मेहनत किए बिना, परिश्रम किए बिना किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। आप सबको भी अभी हाल में एग्जाम देने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है हालातों से, तो ही आप परीक्षा में अच्छी तरह से मार्क्स पा सकते हैं, उसे सुलझा सकते हैं। तो किसी भी समस्या का हल संघर्ष के बिना नहीं निकलता। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। कवि ने कहा है कि इसलिए जो भी प्राणी संघर्ष करता है अपनी समस्या को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, तो वो अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। झपटता बाज, कि बाज पक्षी जो है वो शिकार कैसे करता है, तो वो आकाश में उड़ता रहता है। उसके बाद जैसे ही उसके नजर अपने शिकार पर पड़ती है, तो वो क्या करता है, फटाक से नीचे आकर अपने शिकार को कब्जे में लेकर उतनी तेजी से वो ऊपर चला जाता है। तो झपटता बाज फन उठाए सांप, और दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। कि यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि बाज पक्षी जो है वो अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटा मारता है, और उतनी ही तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोचकर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। बाज पक्षी जब अपना शिकार करता है तो वह देखने लायक होता है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए, वार करना यानी कि हमला करना, इसी प्रकार अपने शिकार पर हमला करने के लिए सांप जो है वो फन उठाकर आक्रमण करता है, तो वह भी अत्यंत सुंदर लगता है, यानी कि देखने लायक होता है। जब बकरी जो है वह अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है, बकरी के चार पैर होते हैं, तो जब वो दो पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां जो है वो खाती है, उसके लिए संघर्ष करती है, कांटों से जूझती है, तो उसका सौंदर्य अनूठा लगता है। कि उसका सौंदर्य कैसा लगता है, एकदम सुंदर। दबे पांव झाड़ियों में चलता जीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। आगे कहते हैं कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चित्ता, बराबर चित्ता जो है वह अत्यंत खूंखार होता है, तो वो चित्ता अपने भूख मिटाने के लिए शिकार पर आक्रमण करता है, तो वो कैसे करता है, दबे पांव यानी कि चुपचाप छिपकर धीरे धीरे झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा सी भी आहट ना हो, तो इस रूप में वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने तोता का उदाहरण दिया है। तोता कैसे खाता है, तो फल कुतर कर। कि तोता वैसे तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, बराबर। कि तोता जब भी पेड़ के ऊपर बैठता है तो वो क्या करता है, अपने पैरों से, अपने पंजों से डाल को पकड़कर जकड़ कर रखता है, और उसी प्रकार वह बैठता है।
जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटक जाता है और उल्टा लटकने का खतरा भी वो मोल लेता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे भूख लगी होती है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है। तब उसका भूख मिटाने के लिए किया गया संघर्ष बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आगे कहा है कि या फिर ये शब्द हुई प्राणी पशुओं की बात। अब आती है बात हम मनुष्य की कि या इन सब की जगह भूख अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है, मनुष्य संघर्ष करता है, तो इसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। बराबर, जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। कि पशु पक्षी या तो अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न हो ही जाते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर मनुष्य हो तो वो भी अपने भूख मिटाने के लिए कई प्रकार के संघर्ष करता है और भिन्न भिन्न रूप उसके दिखाई देते हैं। तो जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने के लिए उसमें जी जान लगा देता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इस काव्य से हमें यही सीख मिलती है कि बिना संघर्ष किए किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। अगर पशु पक्षियां, छोटे से छोटे जीव जंतु अपनी भूख मिटाने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए सही तरीका अपना कर संघर्ष करके इस जीवन को आगे ले जा सकते हैं। चोरी चकारी करके मनुष्य को अपनी भूख मिटानी चाहिए नहीं, बल्कि मेहनत करके, परिश्रम करके ही हमें अपनी भूख को मिटाना चाहिए। थैंक यू।